और वही चरखी दादरी की अनाज मंडी में गेहूं बेचने आए किसानों को काफी भागदौड़ और धूप का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी रेट पर अपनी फसलों को बेचने पहुंचे किसानों को वाहनों के साथ ही कई किलोमीटर की दूरी भी तय करनी पड़ रही है। वहीं अनाज मंडी में फसल का धीमा उठान होने के चलते किसानों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये आ रही है, एक तो टोकन भी कट गया है तो लाल पर्ची ला रखी है, लाल पर्ची बिना बढ़न नहीं देता, इसको क्या मतलब है? और वो लाल पर्ची आड़ो गेट पर बैठना चाहिए, वो गेल ने ले जा रखे से उत बैठा रखे, जमींदार ने परेशान कर रखे, दो घंटा लाइन में लगान हो गया और लंबर नहीं आ रहा, बढ़न नहीं दे रहा है भीतर में। पहले भाई टोकन कटा पा था, पुलिस वाला भीतर ना जान देता है, लाइन में आओ कितनी पड़ रही है, चार घंटा हो गया तड़का लाइन में खड़ा है, परेशानी परेशानी सारी, जमींदार बता बराबर ठोकर खा रहे हैं। जो है हमारे पास 5,36,000 क्विंटल करीब मस्टर्ड की परचेज हो चुकी है, इसमें से 3,00,000 के करीब लिफ्टिंग हो चुकी है, तो करीबन 2.5 के करीब पेंडिंग है।